नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषिन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हां दोस्तों, 24 दिसंबर 2020 को मंगल यहां पर राशि परिवर्तन करेंगे सुबह 11 बजे के आसपास, और मंगल मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत ही बड़ा अद्भुत परिवर्तन रहेगा ये, क्योंकि एक ही साल में ये दूसरी बार रहेगा जब मंगल अपनी राशि में आके वापस से जाके फिर वापस से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर देखिए, मेष राशि में मंगल का जो परिवर्तन होने वाला है ये 22 फरवरी तक मेष राशि में रहेंगे। 22 फरवरी तक मंगल यहां पर मेष राशि में रहेंगे। मंगल और केतु का षडाष्टक संबंध भी यहां पर बनेगा इसी बीच में। वो कब बनेगा और किस तरह से इसका प्रभाव रहेगा ये भी आप सभी को पता चल जाएगा अभी वीडियो में, और आपकी राशियों पर आगे क्या क्या होने वाला है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहां पर अब आप देखिए कि मंगल का यहाँ पर जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, ये काल पुरुष की कुंडली में रूचक योग भी यहाँ पर बना रहा है। रूचक योग मतलब कि काल पुरुष की कुंडली के लग्न में मंगल का पहुंच जाना यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभावी है। काफी समय से मंगल जो थे वो मार्गी चल रहे थे, मंगल मीन राशि में मार्गी थे और अब मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और ये एक अद्भुत संयोग यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि एक ही साल में दूसरी बार जब ये संयोग बन रहा है तो पहले वाला जो रूचक योग था जिसके प्रभाव पूरे नहीं आ पाए थे या पॉजिटिव प्रभाव नहीं आ पाए थे, साल के अंत में अब ये प्रभाव हमें यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो मंगल का ये जो राशि परिवर्तन रहेगा ये काफी ज्यादा पॉजिटिव यहां पर रिजल्ट देने वाला है, काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट यहां पर देने वाला है। देखिए, मंगल क्या है? मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, मंगल वाहन का कारक है, मंगल जमीन का कारक है, मंगल अग्रेशन का कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है, मंगल जो है यहां पर आपके साहस का, आपके कॉन्फिडेंस का कारक है। मंगल यहां पर अग्रेसिव भी बनाएगा, एरोगेंट भी बनाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल के राशि परिवर्तन से हर एक राशि में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे और काफी ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। ज्यादातर राशियों में मंगल का ये जो राशि परिवर्तन रहेगा ये काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। ज्यादातर राशियों को मंगल के इस राशि परिवर्तन का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं बहुत शॉर्ट में और फटाफट ब्रीफली आपको बता देता हूं कि एक एक राशि पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को दो चीजों पर ध्यान रखना है, किसी से भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, वाद विवाद नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, आपको क्या करना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये चीज सभी राशियों के लिए है। अब बात करते हैं मेष राशि के लिए मंगल का क्या प्रभाव रहेगा, मेष राशि के लिए मंगल किस तरह से अपना इफेक्ट जो है वो दिखाने वाला है। मेष राशि मंगल की अपनी राशि स्वराशि में मंगल यहां पर आ रहे हैं, और मेष राशि वालों को थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाना चाहिए, अब थोड़ा सा सचेत भी हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ एक सतर्क रह के अपने आपके अपने अपने कार्य को करने की कोशिश कर देनी चाहिए। क्योंकि ये जो मंगल आप सभी के लिए है ये काफी ज्यादा लाभकारी यहां पर होने वाला है, काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल यहां पर होने वाला है, और रोचक योग का परिणाम आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। 15 जनवरी के बाद मेष राशि आप सभी के लिए किस्मत खुलने वाली है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का क्या फायदा होने वाला है, वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो मंगल जो है यहां पर मिश्रित फल देगा। खर्चे बढ़ेंगे यहां पर और अनावश्यक खर्चे हो जाएंगे, मानसिक तनाव स्ट्रेस बढ़ेगा और लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। परंतु वृषभ राशि, यहां पर आपको एक चीज और अच्छी बता देता हूं कि शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, वो कोशिश करेंगे बट आपको नुकसान नहीं होगा, और मंगल यहां पर आपको सारे रास्तों से बचा के निकाल के लेके जाएगा। बट पैसों से रिलेटेड मामलों में और लेन देन के मामलों में आपको बहुत ज्यादा सावधानी यहां पर रखनी होगी। यहां पर बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि आपके लिए ये जो मंगल का गोचर है ये थोड़ी सी समस्याएं खड़ी कर रहा है यहां पर। जी हां मिथुन राशि, आप सभी को बहुत ज्यादा धैर्य बना के चलना है, बहुत ज्यादा पेशेंस बना के रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके परिवार को किसी न किसी तरह से कोई ना कोई समस्या हो सकती है, कोई ना कोई बीमारी लग सकती है, कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं, या फिर किसी के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए आप सभी को पूरी तरह से सावधानी रखनी है, पूरी तरह से ध्यान रखना है ताकि मंगल के खराब इफेक्ट आपके ना पड़े।
मिथुन राशि के बाद अब आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या हाल रहने वाला है। मंगल का कर्क राशि वालों के लिए काफी ज्यादा शुभ परिणाम मिलने वाला है। कर्क राशि वाले यहां पर अच्छे लेवल पे अपनी चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। कर्क राशि वाले अपने आप में काफी अच्छा महसूस कर पाएंगे, ऐसे चांसेस बनते हैं। कर्क राशि वाले आपको बस अपने मदर का ध्यान रखना है, अपनी माताश्री का ध्यान रखना है और साथ ही साथ लेन देन में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को सिर्फ एक ही चीज़ का काम का ध्यान रखना है, यहाँ पर अपने काम से काम करना है, पूरी तरह से काम पे फोकस रहना है। सिंह राशि धर्म और कर्म को साथ में लेके चलेंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे और कर्म पे विश्वास रखेंगे तो शायद मंगल का ये प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा होने अच्छा होने वाला है और रोचक योग का प्रभाव आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इसीलिए सिंह राशि पूरा पूरा फायदा उठाइए इसका और अच्छे से अपने काम में लग जाइए। यहाँ पर अगर हम देखें अब अगली राशि कन्या राशि के बारे में, तो कन्या राशि वाले के लिए देखेगा कि ये जो समय रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाला है। कन्या राशि वाले यहाँ पर आपको किसी भी तरह से घबराना नहीं है, किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। दुश्मनों से आपको विजय प्राप्त होगी और आपका हर एक काम कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर होता चला जाएगा। परंतु आपको भी खर्चों से यहाँ पर बच के रहना है, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। पैसों से रिलेटेड मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय रहेगा ये थोड़ा सा कठिन समय रहेगा। कठिन समय अगर आप परिवार में जॉइंट फैमिली में रहते हैं वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। परिवार के साथ अगर आप मिलजुल के रहते हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पर आपको पत्नी के साथ संबंधों में सावधानी रखनी है। आपके वाद विवाद हो सकते हैं, बातचीत करते समय आपको पूरी तरह से सावधानी रखनी है ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर तुला राशि आपको काम का पूरा पूरा मौका मिलेगा, बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। आपको ये समय अगर कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर आगे तक ले जाने की कोशिश करेगा। वृश्चिक राशि की अगर बात करें दोस्तों, तो वृश्चिक राशि के लिए ये जो समय रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं आप कहीं पर, अगर आगे जाके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलताएँ ज़रूर मिलेगी। स्वास्थ्य का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है वृश्चिक राशि, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। धनु राशि के लिए यहाँ पर ये जो मंगल का प्रभाव रहेगा ये आपसी रिश्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। परंतु आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल पूरी तरह से रखना है। वाद विवाद हो सकता है, कोई बात बनते बनते आपकी बिगड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो मंगल का प्रभाव है ये आपको राजनीति में कहीं ना कहीं फंसा सकता है, किसी तरह से आपको खराब प्रभाव दे सकता है, चंगुल में किसी के एलिगेशन आपके ऊपर लग सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा धनुराशि, नहीं तो लेने के देने यहाँ पर पड़ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं यहां पर मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा यह काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा। एनर्जेटिक मतलब कि काम में मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। जी हाँ दोस्तों, काम में मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। नौकरी अगर नहीं है तो नौकरी मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बट वर्कलोड काफी ज्यादा रहेगा और उस वर्कलोड के कारण टेंशन, तनाव, एंजाइटी, ऐसी चीजें हो सकती है, डिप्रेशन के भी शिकार आप हो सकते हैं। तो वहां पर आपको अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करना है ताकि आपको इस तरह की कोई परेशानी ना हो पाए। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने काम पे फोकस करना है, एक शेड्यूल बना के अपना काम करना है ताकि आपका काम अच्छे से हो पाए और मंगल के दुष्प्रभाव आपको ना मिल पाए। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को भी यहाँ पर दिमाग को बैलेंस करके चलना होगा। कुंभ राशि वालों को भी दिमाग का संतुलन और अपने गर्म मिजाज को कंट्रोल में रखना होगा। अपने गुस्से को कुंभ राशि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे पर आपको उनसे परेशान नहीं होना है। आपको अपने काम पर ध्यान देना है ताकि आपका काम अच्छा जाए और उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे देखने को मिले। अब आइए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि आप अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का भी आपका मौका मिल सकता है, ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। काम में आप कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे अपने काम को करने की कोशिश करेंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पर आपके दिखाई देते हैं। साथ ही साथ मीन राशि आप अगर कोई टारगेट लेके चलते हैं तो वो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं और आप दूसरों को खुश होने का भी मौका दे सकते हैं और खुश करने की भी कोशिश आप कर सकते हैं। तो दोनों ही एंगल पे आपका ये जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है।
कुल मिला के मंगल का ये जो राशि परिवर्तन है ये हर एक राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर एक राशि को मंगल के परिवर्तन से फायदा ही होने वाला है। बस आपको दो ही चीजों पे ध्यान रखना है, अपने आप को शांत रखना है, बैलेंस रखना है, और बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, और बातचीत करते समय पूरी पूरी सावधानी रखनी है। आ बैल मुझे मार जैसी कहानी नहीं करनी है हमें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप अपने बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या अपने बारे में ईयरली प्रेडिक्शन मेरे द्वारा लिखा हुआ चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।